भारत में अगले महीने वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। इसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी और कोई एक टीम ही विजेता बनेगी। वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सभी खिलाड़ी अपनी अपनी देश के लिए खेलने की इच्छा रखते हैं। हालांकि जब उन्हें मौका नहीं मिल पाता तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें टीम में मौका नहीं मिलता है तो वो दूसरे देश का रुख करते हैं। इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं जो आगामी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 क्रिकेटर के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम अनिल तेजा निदामनुरू का है, जो भारत में जन्मे क्रिकेटर हैं। तेजा का जन्म विजयवाड़ा में हुआ था। 2021 तक वह एक वर्कफ्लो प्रबंधन कंपनी के लिए एक व्यवसाय विकास प्रबंधक थे, जो साथी नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्टीफन माइबर्ग के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाए रखने के लिए नीदरलैंड का रुख किया। ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेगा। बता दें कि तेजा निदामनुरू अब तक 20 वनडे में 501 जबकि 6 टी20 में 30 रन बना चुके हैं। लिस्ट में दूसरा नाम विक्रमजीत सिंह का है, जो भारत में जन्मे क्रिकेटर हैं। विक्रमजीत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्रिकेट नीदरलैंड के लिए खेला। सिंह का जन्म 9 जनवरी 2003 को चीमा खुर पंजाब भारत में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके दादा खुशी चीमा 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद नीदरलैंड चले गए थे। अब विक्रमजीत इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेंगे। बता दें कि विक्रमजीत 25 वनडे में 808 जबकि 8 टी20 में 76 रन बना चुके हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम रचिन रविंद्र का है, जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। रचिन रविंद्र का परिवार पहले इंडिया में रहता था, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते रचिन रविंद्र का परिवार न्यूजीलैंड में जाकर बस गया। यही कारण रहा कि ऑलराउंडर खिलाड़ी रचिन रविंद्र का सपना टीम इंडिया के लिए खेलने का पूरा नहीं हो पाया। अब रचिन इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेंगे। बता दें कि ये खिलाड़ी 3 टेस्ट में 73, 9 वनडे में 179 जबकि 18 टी20 में 145 रन बना चुके हैं। वहीं टेस्ट में उन्होंने 3 जबकि वनडे टी20 में 11 और 11 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में पांचवा नाम केशव महाराज का है, जो भारतीय मूल के खिलाड़ी है। महाराज का जन्म 7 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। इस अफ्रीकी खिलाड़ी का भारत से खास नाता है। केशव महाराज के पूर्वज 1874 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। बाद में उनका परिवार वहीं बस गया। अब केशव वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेंगे। बता दें कि केशव अब तक 49 टेस्ट में 158 विकेट 31 वनडे में 37 विकेट जबकि 26 टी20 में 22 विकेट चटका चुके हैं। तो आप कमेंट में ये बताएं कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है।